नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल मिलियन डॉलर रिसोर्सेज में स्वागत है। क्रिसमस आने वाला है तो आज हम आपको बताएंगे सेंटा क्लॉस के बारे में। आप शायद कहेंगे कि आपको सब पता है, लेकिन यकीन मानिए आपको बहुत कुछ नहीं पता। आप जब वीडियो देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अब तक जो कुछ जानते हैं वो महज एक कल्पना भर थी। सेंटा क्लॉस, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? आप यकीनन कहेंगे एक क्यूट सा बुढ़ा आदमी, लाल और सफेद पोशाक में, साथ में बड़ा सा थैला लिए। अगर आप और एक्सप्लेन करोगे तो उसकी बग्गी जिसको रेंडियर खींचते हैं। सही कहा ना, सेंटा क्लॉस हमारे बचपन का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हम चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, हमारा विश्वास एक टाइम पर सेंटा क्लॉस पर पूरा था। हम उसे सच मानते थे और अगर आजकल के छोटे बच्चों से पूछा जाए तो वो भी उसके अस्तित्व को नहीं नकारते। खैर, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको पता है कि सेंटा क्लॉस एक काल्पनिक करैक्टर है जिसे बच्चों को ध्यान में रखकर गढ़ा गया था। लेकिन क्या आप ये यकीन कर पाएंगे कि सेंटा क्लॉस किसी पौराणिक कथाओं या कहानियों का हिस्सा न होकर कोका कोला द्वारा चलाया गया एक मार्केटिंग कैंपेन का हिस्सा था? क्यों चौंक गए ना? आज की वीडियो बनाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम आपको बता सके कि किसी भी कंपनी द्वारा चलाया गया मार्केटिंग कैंपेन का कितना बड़ा असर हो सकता है। आपको शायद अभी भी हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा, तो वीडियो देखते रहिए और सच का सामना करने के लिए तैयार रहिए। अब ऐसा नहीं है कि इस एड कैंपेन से पहले सेंटा क्लॉस का कोई अस्तित्व नहीं था। 20वीं सदी से पहले लोगों की दिमाग में सेंटा क्लॉस की तस्वीर कुछ इस तरह से थी। ये आजकल के सेंटा क्लॉस से बिल्कुल ही अलग था। तो आज का सेंटा क्लॉस कैसे आया? असली वाले सेंटा क्लॉस का नाम सेंट निकोलस था और वो 4वीं सदी में पैदा हुए एक ग्रीक मंक थे। अपने टाइम पर वो बहुत ही ज्यादा दयालु और परोपकारी इंसान रहे थे। उनके जाने के बाद भी उनके किस्से और कहानियाँ कई किताबों में जिंदा रही, लेकिन कभी भी वो इतने लोकप्रिय नहीं रहे जितने आज हैं। आज के सेंटा का अस्तित्व आना शुरू हुआ 1862 में, जब थॉमस नास्ट, जो कि सिविल वॉर की घटनाओं पर कार्टून बनाते थे, उन्होंने हार्पर्स वीकली के लिए सेंटा क्लॉस का कार्टून बनाया। ये वाला सेंटा थोड़ा खतरनाक, या सही कहे तो थोड़ा सा डरावना था। इसको पादरी का लिबास और जानवर की खाल पहनाई गई थी। थॉमस नास्ट ने अपने इस कैरेक्टर पर लगातार 30 सालों तक काम किया और आखिरी वक्त में कुछ हद तक वो तस्वीर दी जिससे हम सब वाकिफ हैं। तो चलिए अब आते हैं कोका कोला पर। लेकिन रुकिए, कोका कोला से पहले व्हाइट रॉक नाम की कंपनी ने भी सेंटा को अपने एड में इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर उनका कैंपेन इस कैरेक्टर को लेकर ज्यादा नहीं चला। और फिर इसके बाद एंट्री होती है कोका कोला की। 1920 में कोका कोला ने सेंटा क्लॉस को अपने एड्स में इस्तेमाल करना शुरू किया। अब ऐसा नहीं था कि इस एड ने आते ही पूरा आग ही लगा दिया था। दरअसल कंपनी एक मिशन पर थी। वो अपने मार्केटिंग कैंपेन्स को इतना स्ट्रॉन्ग रखना चाहते थे कि वो अपना वर्चस्व पूरी दुनिया पर कायम कर सके। हालांकि ये उनको 1920 में ही समझ आ गया था कि उनका पूरा फोकस फिलहाल क्रिसमस मार्केट पर होना चाहिए। 1931 में कंपनी ने अपनी एड्स को कुछ पॉपुलर मैगजीन्स में डालना शुरू किया। अभी के सेंटा में कंपनी को कुछ कमियां नजर आ रही थी, तो उन्होंने एक प्रोफेशनल इलस्ट्रेटर हेडन सनब्लॉम को हायर किया और उनसे कहा कि वो एक ऐसा सेंटा क्लॉस बनाएं जिसमें सेंटा क्लॉस खुद हो, ना कि कोई भी व्यक्ति जिसने सेंटा जैसे ड्रेस पहनी हो।
जब फाइनल सांता क्लॉज पर सभी की सहमति हुई तो 1931 से लेकर 1964 तक इस सांता को खिलौनों की डिलीवरी या उनके साथ खेलते हुए, लेटर पढ़ते हुए और कोक को एंजॉय करते हुए बहुत सारे एड्स में दिखाया गया। अब सांता के इस लुक ने लोगों के दिमाग पर इम्पैक्ट डालना शुरू कर दिया। अब लोगों ने सांता की तस्वीरों को बड़े ध्यान से देखना शुरू कर दिया। इतना कि अगर उसमें कंपनी कोई चेंज करती तो लोग कंपनी को लेटर्स भेजना शुरू कर देते। 1942 में सांता क्लॉज को एक नया दोस्त मिला जिसका नाम था स्प्राइट बॉय। ये कैरेक्टर 1940 से 1950 तक कंपनी की एड कैंपेन्स का हिस्सा रहा। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये कैरेक्टर स्प्राइट को लॉन्च करने के लिए किया गया था, तो जी नहीं। स्प्राइट को 1960 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम इसी कैरेक्टर से लिया गया था। अब आते हैं इस बात पर कि कंपनी आखिर इस कैरेक्टर को लेकर इतना सफल कैसे हो सकी। दरअसल कंपनी का ये शुरू से गोल था कि वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए मार्केटिंग नहीं करेंगे, बल्कि लोगों के दिमाग में अपनी छाप छोड़ने के साथ साथ उनकी फीलिंग्स के साथ जुड़ने का काम करेंगे। कंपनी अपने एड कैंपेन्स के जरिए ये बताने में कामयाब रही कि कैसे उनका प्रोडक्ट फैमिली टाइम साथ में एंजॉय करना, जश्न मनाना, खुशियां आदि को कैसे व्यक्त करता है। 90 के दशक में कोका कोला कंपनी ने क्रिसमस कारवा कैंपेन चलाया, जो हर साल क्रिसमस के शुरुआत में शुरू होता है। इसमें उन्होंने बहुत सारे ट्रक्स को सांता की तस्वीरों के साथ सजाया। ये लोगों को एक मैसेज देता था कि साल का सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस आने वाला है। इस मार्केटिंग कैंपेन का असर इतना बड़ा था कि लोगों को लगता ही नहीं था कि क्रिसमस आने वाला है, जब तक वो इन ट्रक्स को ना देख ले। तो दोस्तों, देखा कंपनी को कितने साल लग गए एक काल्पनिक कैरेक्टर को असली लगने वाला कैरेक्टर में बदलने के लिए। किसी भी चीज को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए सालों की मेहनत और उस पर लगातार काम करते रहना पड़ता है, ताकि वो समय के साथ चल सके। ये आपको इस स्टोरी से पता लग ही गया होगा। तो अगर आप भी अपने किसी काम में अटके हुए हैं, तो बजाय उसको छोड़ने के उसमें नयापन डालने का प्रयास करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। हमें यकीन है कि आपको सांता क्लॉज के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी, तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल मिलियन डॉलर रिसोर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप ऐसी ही रोचक वीडियोस का आनंद ले सके। अंत में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।